हमारे मंत्री बड़े राज्य मंत्री सुधा मुखर्जी जी, हमारे साथी प्रथम देवाजी जी, पूर्व विधायक लला विष्णु जी, चेयरमैन साहब नगर पालिका नरेश सेठ, हमारे गुजरात से आए मेरे साथी विधायक गुलाब सिंह राजपूत, राजवीर सिंह देवड़ा जी, प्रेमाराम जी चौधरी, शमशेर अली जी और तमाम समन्वय मंच उपस्थित पूरे साथियों, जिले के तमाम दोनों भाई और बहन, मुझे खुशी है। अभी मैं गया कैंप में, मैंने यहाँ फेरी चल रहा है, प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है। मुझे खुशी हुई कि वहां पर महिला ने भी, बुजुर्गों ने भी, मैंने रात मिली उनकी खुशी तो ही है। कुछ करीब सबने मुझे कहा सर साथियों जिला बना दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा कहा कि जिला बनाने की खुशी जो है, मैंने रात मिली है उससे वो कम नहीं है, बहुत बड़ी बात। इससे मैं कहना चाहूंगा जिला बन गया तो अब शुक्ला विष्णु जी रतन देवासी जी अभी मांग कर रहे थे स्कूलों की, और वो हमारे सेठ साहब नगर पालिका अध्यक्ष मांग कर रहे थे सीवरेज सिस्टम बने हैं। ये जब जिला बन गया तो कई काम तो जिला मुख्यालय होने के नाते में जिले में कई तहसील तहसील एस डी ऑफिस पंचायतें जिला भी जिला ही होता है, हेडक्वार्टर जिला क्षेत्र के अधिकारियों का, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, चाहे वो शिक्षा के हो, या पीएचडी के हो, बिजली के हो, सबके हेडक्वार्टर सचिव बन रही है साथियों। आप सोच सकते हो जिला बनने के मायने तो बहुत बड़े होते हैं। 19 जिले बनाए राजस्थान में इस साल, पूरे प्रदेश में लोगों में बहुत ही खुशियां मना रहे हैं, और मैंने कहा 2030 तक हमारा प्रदेश भी जिस प्रकार से तेज गति से प्रगति कर रहा है, नए नए जिले बने हैं, शिक्षा में जो काम हुआ है वो सोच नहीं सकता। पिछले साल में लगभग 250 करोड़ खोले थे राजस्थान में, और मैंने 5 साल में 303 करोड़ खोल दिए। जो मांगा कॉलेज दिया उसको, बेटी कॉलेज हो या महाविद्यालय हो, लड़कियों की कॉलेज है 130 खुल गई। तो मैं कहना चाहूंगा IIT गवर्नमेंट बना देनी, वहां पर 1400 करोड़ काम शुरू करवाए। तो राजस्थान भर में टॉप प्रायोरिटी देने से पीने के पानी को लेके और सिंचाई को लेके, क्योंकि सदियों से हम लोग भुगत आ रहे हैं, सदियों से हमारे बाप दादा परदादा से भुगतते हैं अकाल सूखे को। अब नया शताब्दी आ गई है 21st सेंचुरी, अब तो कम से कम पीने का पानी है, मशीन आ गई है, ट्यूबवेल खुदने से आराम हो गया, इससे बन रही चाहिए, और गुजरात से पानी यहां पहुंचे हमारे पास में, हमारा हल्का पानी मिले वहां से, यमुना से मिले, जमुना से मिले, हरियाणा से मिले, पंजाब से मिले, कोई चिंता नहीं इस मंत्री को, कोई चिंता नहीं, बता दीजिए आप। 3 स्थितियों चले तो स्कूलों के जो बांध दिए उन चरणबद्ध रूप से मैं जाकर दिखाऊंगा, कल मैंने घोषणा की थी बाढ़ में कर सकती, और मैं जानता हूं ये मांग आपकी जेन्युइन मांग है। बाकी मांग है स्कूल खुलनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल
प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, आप निश्चिंत रहो। मेरी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सुनो, मेरी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शिक्षा है भाई। अरे चौथी बात छोड़ दे, कोई बात की बात करें, मेरे सरकार को दाओ कम से कम। तो आप निश्चिंत रहो, स्कूल खोलेंगे हम लोग, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल हो, मिडिल सीनियर सेकेंडरी करने की बात हो, उन सब कामों को हमारी प्रायोरिटी में है। और तो आरटीई जो कानून बना केंद्र सरकार का, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, उसके बच्चे जो आते प्राइवेट स्कूल के अंदर, पहले आरटीई तक का कानून बना है, हमने घोषणा कर दी है बारहवीं तक भी बच्चा पढ़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा भी दे दीजिए, मैं कहां जाता हूं। इस प्रकार से हमने कदम उठाया शिक्षा को लेकर, वो अद्भुत है और मैं समझता हूं कि उसका फायदा आप तो उठाए। कोई भी परिवार का बच्चा, घर वाली का शिक्षा से वंचित नहीं रहे। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, रस लगाओ और बेटी बचाओ, ये मैंने कहा जगह बहुत पहले, आज भी उसकी जरूरत है, आज भी जरूरत है। तो मैं एक करके अपनी बात को, एक हमारे बोर्ड के माध्यम से मांग की गई है, रेवाड़ी भी जाने दोबार भी जाते हैं यहां पर, तो एक देवनाथ आवाज छात्रावास उसकी मांग की गई है। तो मैं घोषणा करता हूं कि चित्रगढ़ में एक आवासीय हॉस्टल बना दिया जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। बाकी तो आपके हमने 28 करोड़ में दिए थे सीसीएचसी के लिए, 7 करोड़ में 28 करोड़ दिए थे जब विधानसभा क्षेत्र था सीएचसी का, अब जिला बन गया है, अब फूट सेक्टर क्षेत्रीय जिला मुख्यालय वाला जिला अस्पताल बनेगा यहां पर, उस प्रकार से 200 करोड़ ज्यादा की सड़कें दी गई यहां पर, रानीवाड़ा में तो औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, रानीवाड़ा भी आपका सासे जिले में ही है, और आज हमें 138 करोड़ के कामों का शुभारंभ होगा। यही बात करता हूं, आप सबको बधाई है जिला बनने की, आपसे आपके परिवार का भविष्य उज्जवल बने, आने वाली पीढ़ी है जिले की वो सुखी रहे, संपन्न रहे, स्मृतिशाली बने, ये मेरी मनोकामना है। अपनी बात समझ करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और ये देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे संबोधित, उन्होंने जनता को किया। और देखिए जिस तरह से बेहद खास दिन आज सांचौर वासियों के लिए भी, क्योंकि जिला घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार उनके बीच में पहुंचे और साथ ही साथ कुछ और घोषणाएं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। ये देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि राहत वाली जो योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर के आ रहे हैं, कितनी फायदेमंद वो जनता के लिए साबित हो रही है। और ऐसे ही अब देखिए जब संबोधन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया तो बड़ी संख्या के अंदर लोगों की भीड़ जो वहां पर मौजूद थी, उत्साह उनमें देखा जा सकता था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने का, क्योंकि सबसे पहले महंगाई राहत कैंप का राजीव नगर बना है, मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, पर राजीव गांधी के नाम से राजीव नगर बना दिया। 33 केले जीएसएल मांगे, मुझे लड़ना पड़ेगा इनको, इनकी भावना रखते हैं।